था कल एकाएक हमारे ब्रिजेश जी और संतोष नाम के एक नौजवान दो लोग मिल गए सड़क पर और उन लोगों ने कहा कि आप हमको समय आज दे ही दीजिए, हम गए चलिए कल आ ही जाते हैं। तो कुछ साथियों को लगा कि इतने जल्दी कहे रख दिए, कुछ साथियों को लगा कि बरसात के बाद रखना चाहिए था। लेकिन साथी मैं आपको बता दूं, भाई सतीश राजभर जी जो यहाँ के विधानसभा के युवा मंच के अध्यक्ष हैं, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। भाई सतीश राजभर जो विधानसभा के प्रमुख महासचिव हैं यही मिले थे। एक संतोष राजभर जी हैं विधानसभा के उपाध्यक्ष, ये दोनों लोग उधर घूम रहे थे, मिल गए यहाँ बुला दिए। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष जगीरपुर के अंबिका जी हैं और हमारे तमाम साथ में नेता हैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री शालिक यादव जी, जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करिए। भाई प्रदेश के प्रवक्ता हैं हमारे सुनील सिंह जी, हमारे पार्टी के पूर्वांचल के महिला मंच की प्रदेश अध्यक्ष अमरावती सिंह जी, प्रदीप दुबे जी जो अभी पानी पी रहे हैं, पंकज दुबे हमारे जिला अध्यक्ष, ललन राजभर जी इधर बैठे हैं, हमारे रुद्र प्रताप सिंह जी हैं, शिवेंद्र सिंह जी हैं, ब्रिजमोहन सिंह जी हैं और हमारे तमाम साथी इधर बैठे हैं। हम लोग सुबह से मर्दा ब्लॉक में घूम रहे थे, हम लोगों ने समय यहाँ हमारे विधानसभा अध्यक्ष जहूराबाद के डॉक्टर जयनाथ राजभर जी, इन्होंने समय यहाँ 2:30 बजे दिया था लेकिन मुझे बताया नहीं था 6 बजे चलना है, साथ में थे इस नाते हमको नहीं बताए थे। खैर मैं पुनः साथी पिपनार ही नहीं बल्कि पूरे इस इलाके के लोगों को हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने वो काम किया कि आज पिपनार के गांव में महाराजा सुहेल देव राजभर जी की मूर्ति लगा करके इनके विचार को स्थापित कर दिया कि हम पीछे हटने वाले नहीं, हम अपने हक के लिए सम्मान के लिए हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। और 20 साल मुझे हो गया, 20 साल में आप बताओ हमने कभी पीछे मुड़ के देखने की कोशिश किया? बोलो कभी पीछे हटा? नहीं हटा। सदन से लेकर सड़क तक उत्तर प्रदेश में अगर अकेले पिछड़े दलित वंचित अल्पसंख्यक की लड़ाई कोई मजबूती से लड़ रहा है तो ओम प्रकाश राजभर के अलावा किसी की औकात नहीं। कोई भूलिए हम तो बहुत साफ साफ बोलते हैं, महाराजा सुहेल देव जी की बात जब करते हैं, आज के लगभग 20 साल पहले जब मैं गाजीपुर में आया तो बहुत से लोग कहते थे कि सुहेल देव जी के रहे और आज आपकी ताकत के बल पर देश के प्रधानमंत्री को मजबूर कर दिया कि महाराजा सुहेल देव राजभर की चर्चा करने के लिए, गृह मंत्री चर्चा करते हैं, रक्षा मंत्री चर्चा करते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चर्चा करते हैं और तो और अभी इसी